ఎలక్షన్ కమిషనర్ న్యూఢిల్లీలో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. The national general election, it is customary to hold an all-party meeting and take their suggestions so that we can take a call on all those and revamp the whole system to facilitate everyone. EVM tampering was also raised, the ballot papers were also raised by some of the parties. How does EC see this? EC takes comprehensive view. Some of the parties said going back to ballot is really bad because booth capturing we don't want to bring back. At the same time, some parties said that there are problems with EVM, there are issues with BVPAT slip count, so why not EC takes a call on this? So all those things have been noted down by the commission. Commission will take a call on all these. आपका क्या स्टैंड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे? चुनाव आयोग का क्या स्टैंड है आज की तारीख में, जो पुराना वाला है? सर क्या मांग भी उठी? ये क्वेश्चन बड़ा हाइपोथेटिकल है सर. एक ईवीएम की मांग उठी थी कि जो है आज की तारीख में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो. किन किन लोगों ने मांग अगर उठाई है तो उठाइए, क्या उनका तर्क? वो तो सब मिनट्स बनेंगे तब उसमें आएगा, लेकिन अलग अलग आप लोग 70% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टुडे हैज सेड लेट अस रिटर्न टू द बैलेट बॉक्स. In this context, you have held your predecessor held a meeting. It has made it very clear at that time that we will continue with the EVMs. Do you now, as a commission with all three of you all present, will you all relook at this entire matter, or is it a closed chapter? We will definitely look into all the suggestions given by them, and there will be a satisfactory solution to them. सर हिंदी में उनकी जो भी चिंताएं ईवीएम वीवीपैट और दूसरी चीजों के बारे में उन्होंने व्यक्त की हैं, उन सब पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर इलेक्शन कमीशन उनके प्रति संतोषजनक हल प्रदान करेगा. सर व्हाट आर द मेजर टेक अवेज फ्रॉम टुडेज मीटिंग? सर व्हाट आर द मेजर टेक अवेज फ्रॉम टुडेज मीटिंग? मेजर टेक अवे फ्रॉम टुडेज मीटिंग इज दैट political parties were very positive, very constructive in suggesting the ways and means to further improve the integrity of elections in our country, and commission will take all those suggestions, examine, and whatever is needed to be done to improve the delivery of elections will be done. EVM ko chhod kar sir, वोटर लिस्ट पर करीब करीब सभी पार्टियों ने अपना रुख बताया कि वो चाहती हैं कि वोटर लिस्ट वेरीफाई की जाए, उस पर कमीशन क्या कहता है? उन्होंने बीएलओ के बारे में क्या किया जाए, बीएलएस के बारे में क्या किया जाए, इलेक्टोरल रोल के बारे में जो चेंजेस होते हैं, जो लास्ट मिनट डिलीशंस होते हैं, उसके बारे में क्या किया जाए, बहुत डिटेल में सजेशंस दिए हैं, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा. चुनावी खर्चे को लेकर यहाँ चर्चा हुई है, क्या रहा है सर? खर्चे की सीमा बांधने के बारे में भी बहुत से पार्टियों ने कहा कि जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी सीलिंग लगाई जाए, उसके बारे में सोचा जाए. दूसरे तरह के व्यूज़ भी आए कि इसको जो एनफोर्समेंट होता है उसके लिए थोड़ा और स्ट्रिक्ट हुआ जाए जिससे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे, इस तरह के सुझाव आए. वन नेशन वन पोल का कुछ पार्टियों ने उठाया, कुछ ने उसको अपोज किया, एक या दो ने उसके बारे में अच्छी बात कही. पार्टी के एक्सपेंडिचर को कैप करने के लिए सम ऑफ द पार्टी सेड दैट इफ ईसी विल डू इट दे विल अबाइड बाय इट, सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? कई पार्टियों ने कहा है कि पार्टी एक्सपेंडिचर पर भी कैप होने के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये क्या ये लीगली हो सकता है? तो कमीशन विल टेक ए कॉल ऑन दैट. लगातार बात हो रही थी, तो अब चुनाव आयोग का क्या रुख है? अगर जो है क्या अभी जो मौजूदा हालात में आपको लगता है कि ये पॉसिबल है या एक साल में भी सारे चुनाव मुमकिन है? इसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहस चल रही है, अच्छी चल रही है.